अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ विकी एके वकास एंड आई एम बैक विद माय अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केपीके में, समवेयर इन केपीके, और हम जा रहे हैं इस वक्त मुजफ़्फ़राबाद, और मुजफ़्फ़राबाद से फिर अब हमारा जो टूर है वो है गंगा पीक। तो उसके लिए हम निकले हैं, और टुडे द वेदर इज़ सनी, तो गर्मी गर्मी है, लेकिन इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं पाइन ट्रीज़ हैं। आपको ज़रा एक 360 व्यू दिखाते हैं, ये देखें जनाब, माशाल्लाह सराउंडिंग का व्यू अच्छा है। और हम जो है वो इस वक्त एक जगह रुके हैं नाश्ता करने के लिए, यहाँ से नाश्ता करेंगे। 2 आवर्स का हमने ट्रैवल कर लिया है फ्रॉम रावलपिंडी टू दिस पॉइंट। तो ये है कि अपना सफ़र इंशाल्लाह जारी करने लगे अगेन, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 घंटे में हम जो है वो इंशाल्लाह गंगा पीक पहुँचेंगे। सो गाइज, हेयर वी आर एट दरियाए नीलम। फुली एडवेंचरस हमारा अभी तक जो है वो जर्नी चल रहा है। अभी आपको व्यू दिखाते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर इस वक्त टूरिस्ट की भी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान के इलाकों से आए हुए टूरिस्ट की जो है वो काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जी एहसान साहब हमारे सफ़र के साथी, और ये जो है आप चारपाइयाँ लगा कर ठंडी चाय, वो ठंडे पानी में गर्म चाय इंजॉय कर रहे हैं। जो ऊपर आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ब्रिज जो है वो कश्मीर में एंट्री का ब्रिज है। यहाँ से आपका जो है वो केपी के जो है वो एंड हो गया, जो मेरे राइट साइड पे आपको ब्रिज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है केपी के, यहाँ से एंड हो गया, और ये ब्रिज से होते हुए जनाब हम यहाँ से भी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह जो है वो कश्मीर में एंटर होंगे। सो गाइज, वी हैव रिज्यूम्ड आवर जर्नी, और अब हम इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं, और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही लिखा आ गया जनाब वेलकम टू AJK, यानी कि हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। सो गाइस, कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारों का मज़ा लेते हुए इस वक्त हम पहले जो मेन बाज़ार में पहुँचे हैं, इस इलाके का नाम है धीरकोट। बाज़ार क्रॉस करते ही थोड़ा आगे हम पहुँचे तो हमने देखा है ये पहाड़ों से जैसे पानी रिस रहा है, और यहाँ पर लोग कैन लगाकर पानी भर रहे हैं, और भाई सब्ज़ा होने के बावजूद, पहाड़ों के होने के बावजूद यहाँ पर शदीद गर्मी है, इसलिए हमें भी प्यास का एहसास हुआ, इसलिए हम यहाँ रुके हैं। बाबा जी क्या नज़ारे हैं भाई, माशाल्लाह वाकई लग रहा है भाई कि हम इस वक्त जन्नत में घूम रहे हैं। क्या साफ़ सुथरा नीले रंग का सब्ज रंग का पानी हमें नीचे से बहता हुआ पहाड़ों के दामन में नज़र आ रहा है। दिल कर रहा है कि नीचे उतर के यहाँ पर नहाना शुरू कर दें, जिस हिसाब की यहाँ गर्मी है, लेकिन हमने तो अपने असल मंजिल तक पहुँचना है, इसीलिए हम अपना सफ़र नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पर आपके भाई की ड्राइविंग स्किल्स का असल इम्तिहान है। हसान साहब कलमा पढ़ लो भाई जान। शुक्र है अल्लाह का भाई के रोड इंक्लाइंड होना शुरू हुई है, और इस वक्त शुक्र है जो टेम्परेचर है वो डाउन होना स्टार्ट हो गया है। वाओ, लश ग्रीन फील्ड्स यार, शुक्र है यार, अल्लाह अल्लाह करके को सीधी रोड आई है, और इन्ना निल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, भाइयों की मेहरान फोत हो गई है। जनाब ऑफिशियली हमने जो है वो जन्नत में एंट्री मार ली है। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक ड्राइव, लेकिन यार रुल गए हैं, अच्छा सा आ गई है, मज़ा आ गया, ऐसा मौसम है माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये हाइट है पीक की। इस वक्त हम जो है वो सी लेवल से 9000 फीट अबव है, और इस वक्त यहाँ पर जो है वो सही एयर का प्रेशर है, हवा चल रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो है ना क्लाउड्स जो है ना फ्लोट कर रहे हैं, मज़ा आ गया यार। तो इस वक्त अगेन आपको बताता चलूँ हम हैं कहाँ, हम हैं इस वक्त गंगा पीक, जो कि इस कश्मीर बाग से ऊपर एक जो है ना जगह, आप इसको गूगल कर सकते हैं,
गंगा पीक पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और क्या यार मज़े का सूदिंग किस्म का वेदर है। तो मैं आपको ज़रा जो है ना इसका 360 एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखो मेरे भाई क्या क्लाउड्स हैं माशाल्लाह, और ये फ्लोट करते हुए क्लाउड्स अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर सके तो क्या व्यू है माशाल्लाह। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर जो है वो ग्रीन कलर का जो है वो कारपेट जो है वो किसी ने बिछा दिया है। और यार मज़ा आ गया, हलाल हो गया यार सफ़र हमारा, पैसे हलाल हो गए, सफ़र की जो थकावट है, सफ़र की ख्वारी है, सब चीज़ें जो है वो हलाल हो गई हैं, मज़ा आ गया। तो ये एक 360 व्यू है, और टॉप पे इस वक्त हम गंगा जो पीक है उसके टॉप पे मौजूद हैं, और सही फिट किस्म का वेदर है, हवा चल रही है, साथ ये जो धुंध आपको फ्लोट करती हुई नज़र आ रही है यार चस आ गई चस। तो गाइज़ हम मज़ीद ऊपर आ चुके हैं, शान साहब ये पकौड़े खाने में मसरूफ़ हैं, पीछे ये फैमिलीज आपको एंजॉय करती नज़र आ रही होंगी, और आपको क्लाउड्स भी नज़र आ रहे होंगे कैसे फ्लोट कर रहे हैं। मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। तो वर्थ विजिटिंग प्लेस है, और लेकिन जो आप इधर का डिस्टेंस है रावलपिंडी से वो तकरीबन 5 आवर्स नॉन स्टॉप ड्राइव का है, बीच में अगर रुकते हुए आते हैं तो ऑब्वियसली फिर जो है वो ये टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। पर ये पकौड़े शकौड़े फ्राई करा है भाई, साथ इसने कोल्ड ड्रिंक्स लगाई हुई हैं, लेज है, ETC साथ आके जनाब। ये हमने अपना बाइक पार्क किया है दरमियान में, और जो उसके बाद गए थे हम वो ऊपर वाली जगह पे गए थे, सामने ऊपर वाली जगह पे गए थे, वहाँ पे थोड़ी देर हमने स्टे मारा, और ये जनाब अब रोड जा रही है यहाँ से सीधा आगे। तो अब हम इस रोड पर आगे जाएँगे और थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, और ये यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये दो बहन भाई भी बैठे हुए हैं, इस तरह हम दो भाई आए हुए हैं, इसी तरह ये दो बहन भाई आकर यहाँ पे गपशप कर रहे हैं और जो है वो अपने दुख सुख कर रहे हैं यहाँ पे। गाइज हमने अपना सफ़र अगेन शुरू कर दिया है, और नज़ारे माशाल्लाह क्या बात है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है फील करें आप लोग आंखें बंद करके, यार मेरे बाइक पे पीछे हसान नहीं बैठा हुआ, जो वीडियो देख रहे हैं समझे वो बैठा हुआ, यानी फील करें इस वक्त आप मेरे साथ बाइक पे पीछे बैठे हैं। तो गाइज हियर वी आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहले जहाँ पर हम रुके थे वो टॉप नहीं थी, वो क्या थी सान साहब? That was the bottleneck of the mountain. अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं ये है माउंटेन टॉप, और इसके ऊपर हमें भी कोई जो है वो रास्ता जो है वो ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, आगे से डिक्लाइन होती हुई रोड नज़र आ रही है, बट ऊपर जाती हुई कोई रोड नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त जो है वो मेरी बैक पे देख सकते हैं आप, बाइकर्स का एक ग्रुप भी आया हुआ है, और ये इस वक्त यहाँ से यहाँ पे ड्रोन से शूट कर रहे हैं, और ये बेचारा मेरा मस्कीन सा बाइक, ये मेरा बाइक है पीछे खड़ा हुआ है, और वो उनके आगे जो है ना ये जो है वो सही जो है ना नस्ली किस्म के बाइक मौजूद है, इंशाल्लाह आपका भाई भी एक दिन ऐसे बाइक लेगा, और वो ड्रोन से जो है वो शूट कर रहे हैं, आपका भाई भी फुली मोटिवेटेड है इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाते बनाते, इंशाल्लाह एक दिन मैं भी जो है वो ऐसे ड्रोन से शूट कर रहूँगा, और ऐसी ही टीम मेरे साथ होगी। और एक भाई ये पीछे रेस्ट कर रहे हैं, ये भी बाइकर्स के ग्रुप में से हैं, और हमारे जो साथी हैं वो ये पीछे खड़े हुए हैं, ये एहसान साहब ये भी एंजॉय कर रहे हैं फुल इस टाइम, और आपका भाई भी इस टाइम फुल एंजॉय कर रहा है, भाई एंजॉय सीन है भाई, एंजॉय सीन है, सब एंजॉय कर रहे हैं ये भाई, ये सीन है जहाँ चले जाओ भाई फोग ही फोग है, फोग ही फोग है। और ये जनाब क्या उसे कहते हैं आपको, अगर मैं दिखा सकूँ थोड़ा सा दूर फोग के पीछे, यहाँ पर स्विंग्स और सारे ये ढाबा शाबा ETC और बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो दिस इज़ द ट्रू स्पॉट गंगा पीक का, जहाँ पे लोग आके जो है वो रिजाइड करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं। ये आपका भाई जो है ना हाइक स्टार्ट कर दिया आपके भाई ने, और यहाँ से आपका भाई जो है ना स्पीड में ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज टाइम शॉर्ट है हमारे पास, अब हमने वापस भी निकलना है, और इट्स अ लॉन्ग वे बैक टू होम, इसीलिए हमें जो है ना जल्दी जल्दी ये छोटे छोटे जो हमारे पॉइंट्स रह गए इनको कवर करके तो हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। जी तो गाइज आप इस वक्त VK व्लॉग से लश ग्रीन कार्पेटेड पीक्स देख रहे हैं, और ये आपको इस वक्त नज़र आ रहा है जनाब के कितने खूबसूरत माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं जो क्लाउड्स में इस वक्त घिरे हुए हैं, और ख़ूबसूरत मंज़र है, ख़ूबसूरत तरीन मंज़र है, अपनी लाइफ टाइम में अभी तक मैंने ऐसा मंज़र नहीं देखा, मतलब कैमरे की जो आँखें शायद वो कैप्चर ना कर पा रही हो, बट द रियल ब्यूटी जो है वो आप ह्यूमन आई से ही कैप्चर कर सकते हैं। तो आपका भाई जो है ना वो टॉप पे पहुंच चुका है, ज़िंदगी में बहुत ख्वाहिश थी कि यार जो है ना ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो भाई आपका ऊपर आ गया आज। हॉर्स राइडिंग की जो है फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है जी, और इसके अलावा स्विंग्स आपको भाई पहले ही दिखा चुका है, और क्या दिखाएं भाई, क्या दिखाएं सान साहब, क्या दिखाएं और बताएं इनको, और क्या दिखाएं, ये हमारे एहसान भाई हैं ठीक है, ये भी इस वक्त जो है ना
बहुत इस वक्त क्या आप फील कर रहे हैं यार, खुद ही बता दें यार। आई एम फीलिंग मेस्मराइज्ड एक्चुअली, मेस्मराइजिंग व्यूज के साथ ये भी मेस्मराइज्ड हो गए हैं फुली इस टाइम जो है वो, मतलब इनक्रेडिबल व्यूज है। आप इसको आई डोंट हैव अ वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ अ नेचर, ओह यस, व्हिच आई हैव नेवर सीन बिफोर, ओह यस, एंड ऑसम वेदर, प्लेजेंट वेदर, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल ब्रो, इनक्रेडिबल। ओए वो देखो कितना खूबसूरत घोड़ा है यार, वो देख जमीन जो जमीन में खड़ा हुआ है, दौड़ता हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये अपने नाजरीन को भी हमने दिखाना चाहिए, टारो ज़ूम करूं, लेट मी ज़ूम इट, टाइम टू मेडिटेट योरसेल्फ, ओए होए, प्लीज मेडिटेट योरसेल्फ, क्या बात है माशाल्लाह भाई, ये दिस इज ट्रू नेचर भाई, दिस इज ट्रू नेचर यार। हम उधर जाते रहे सारी जिंदगी, जाके मार्गला की पहाड़ियों में ख्वार होते रहे, असल तो ये है भाई, असल ये, असल आ जाओ सारे इधर भाई, आ जाओ। केट विंसलेट पीछे से मिसिंग है भाई। द वेदर डिमांड्स योगा, और ये हमारे जो है वो योगा मास्टर हैं आसान साहब, जो इस वक्त मेडिटेट कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। तो इनसे आप क्लासेस लेने के लिए मुझसे रابطہ करें, मैं आपको इनका रابطہ नंबर दूंगा। रख दे तुम्हारे गेरुआ। बस भाई आपके भाई ने सोच लिया यहाँ से वापस नहीं जाना। हसान आप इधर से वापस जाना चाहते हैं? नो, नेवर। बस ठीक है यार, आप मेरे साथ ही रहना, ठीक है? सुबह पानी आपने भर के लाना, पीछे से जाके शाम वाला पानी मैं लेके आऊंगा, खाना खुद बनाया करेंगे, ठीक है? मिल के बनाएंगे, एक दिन तुम्हारी बारी है खाने की, एक दिन मेरी बारी है, ठीक है? बस हमने यही रहना, ठीक है? वो भाई घोड़े पे जा रहे हैं, भाई याद दिला दें जरा। जी तो गाइस, डमी म्यूजियम से मेरे साथ मौजूद हैं सोनू निगम साहब, और ये हमें सुनाएंगे अपने कुछ अच्छे सुरीले गानों के कुछ बोल। जी सोनू निगम साहब। प्यार तुमने किया है, प्यार हमने किया है, यार फिर इम्तिहान क्यों जमाने ने लिया है। प्यार तुमने किया है, प्यार हमने किया है, यार फिर इम्तिहान क्यों जमाने ने लिया है। साथ हम देंगे तेरा, हो साथ हम देंगे तेरा, जब तलक जहाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जी थैंक यू सोनू निगम साहब, हमें बहुत मजा आया। ये बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है भाई इन्होंने आपको, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है इन्होंने आपके, आप इसके बाद सोनू निगम को हम ये वीडियो टैग करेंगे तो ही मस्त, बिल्कुल डेफिनेटली ही विल बी डेड आफ्टर दिस। जी तो भाई अगर आपका भाई गिर ना जाए तो आपको एक मंजर चेक कराते हैं जरा, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर है, ठहरे आपने ऐसा मंजर पता नहीं पहले कभी देखा होगा या नहीं, मैंने तो नहीं देखा। लेट मी शो यू सम रियल ब्यूटी। ये देखो भाई, ओपन घोड़े छोड़े हुए हैं, सही यहाँ पे चल रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के जो है ना व्यू है इस वक्त ये जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है। आपने ऐसे गायों को चरते देखा होगा, आई मीन काउज, कभी ऐसे जो है ना आपने घोड़ों को जो है ना चरते नहीं देखा होगा। यहाँ के घोड़े हैं भी ट्रेन इस तरह के, उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त यार। अब जो है वह हम यहाँ से निकल रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ऐसे ही पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, और इसी पैगाम के साथ आपके आपसे रिक्वेस्ट है कि वीके व्लॉग्स पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। चल।